दोस्तों जब पहली बार 12 साल का बच्चा ट्रेन में चढ़ा तो रोते हुए उसकी आंख लग गई, और जब 12 बजे करीब उसकी आंख खुली तो देखता है कि ट्रेन में एक भी आदमी नहीं था। वो बच्चा और भी डर गया। आखिर हुआ क्या था उस बच्चे के साथ, आइए जानते छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक 12 साल का लड़का अपने पापा के साथ पहली बार ट्रेन में सफर करने आया था, और उसके पापा बच्चे को ट्रेन में बैठाकर टिकट लेने चले गए। उतने में ट्रेन खुल गया। बच्चा अपने पापा के लिए परेशान होने लगा कि अभी तक नहीं है, और ट्रेन में रोते हुए सो गया। उस ट्रेन का लास्ट स्टॉपेज बरौनी स्टेशन था, और जैसे ट्रेन वहां पहुंचती है लोग ट्रेन से उतरने लगे थे। वो लड़का डरते हुए ट्रेन से नीचे उतर गया और प्लेटफॉर्म पर लगे एक बेंच पर जाकर बैठ गया, और रोते हुए सोचने लगा कि मेरे पापा अभी तक नहीं आए। उसके पापा भी डरे हुए थे कि छोटा सा बच्चा अकेला कहां जाएगा, उसको कुछ मालूम भी नहीं है। उस ट्रेन के पीछे एक और ट्रेन आ रही थी, उसी को पकड़कर उसके पापा भी जैसे बरौनी स्टेशन पहुंचे, और थोड़ा ढूंढने के बाद देखते हैं कि उसका बच्चा प्लेटफॉर्म के बेंच पर बैठकर रो रहा था। उतने में पापा और बेटे जब आमने सामने आए, तब उन दोनों का प्यार देखकर आसपास के लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए। क्या आपने अपने पापा के साथ ट्रेन में सफर किया है? कमेंट में यस या नो लिखकर जरूर बताना।